मोटी बहू। मेघा एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी, पर वो खाने पीने की बड़ी ही शौकीन थी। जब देखो बाहर का खाना खाया करती, जिसकी वजह से 25 साल में उसका वजन 80 किलो पहुंच गया था। वो काफी मोटी हो गई थी। मेघा के माता पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगी। एक दिन मेघा के पिता गिरधारी अपने दोस्त मनमोहन के बेटे करण से अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर लेते हैं। इस रिश्ते से सभी खुश थे, लेकिन करण और उसकी माँ कौशल्या इस रिश्ते से ना खुश थे। करण कम पढ़ा लिखा और घमंडी लड़का था। करण अपने पिता मनमोहन की राशन की दुकान चलाता था। पिताजी, आपने मेरी शादी उस मोटी लड़की से क्यों तय की? वो मोटी दिखने में पूरी फुटबॉल लगती है, तो तू कौन सा ऋतिक रोशन है? तुझे पता भी है वो कितनी पढ़ी लिखी है और तू 18वीं फेल। सुनो जी, मेरा बेटा सही तो कह रहा है। आखिर क्या कमी है मेरे बेटे में? पूरी दुनिया में मोटी हथिनी ही मिली थी मेरे बेटे के लिए। मैंने अपने दोस्त को जवान दी है। वैसे भी ये कौन सा 30 मार खान है जो इसे कटरीना कैफ मिलेगी? छछुंदर के जैसा तो दिखता है। इस तरह मनमोहन के आगे कौशल्या और उसके बेटे की एक न चली। और फिर कुछ दिनों बाद गोलमटोल मेघा की शादी कम पढ़े लिखे करण के साथ धूमधाम से हो गई। अरे ओ महारानी, जल्दी जल्दी घर का काम किया कर। क्यों हाथी की तरह धीरे धीरे काम कर रही है? कब से देख रही हूँ एक ही जगह पर खड़ी होकर साफ सफाई कर रही है। चल जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आ। अभी लाई सासू माँ। इतना कहकर मेघा रसोई में जाकर खाना लेकर आई। ये लीजिए माँ जी, आपका खाना। मोटापे की वजह से मेघा घर के काम जल्दी से नहीं कर पाती, पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती। ये देख कौशल्या गुस्से से लाल पीली होकर हर रोज मेघा को ताने देती रहती। वहीं दूसरी ओर उसका पति करण उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाता। एक दिन करण का दोस्त रवि उससे मिलने घर आया। और करण कैसे हो? सुना है तुमने शादी कर ली और मुझे बुलाया भी नहीं। खैर छोड़ो, भाभी कहाँ है? उसे भाभी मत बोल, मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता। वो मोटी भैंस मेरे पिता ने मेरे पल्ले बांध दी। यार तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो तुम्हारी पत्नी है। मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता। मेरा मन तो कभी कभी ऐसा करता है कि उस मोटी भैंस को भैंसे के तबेले में छोड़कर आ जाऊं। तभी मेघा चुपके से करण के सारी बातें सुन ली और उसका मन बहुत दुखी हो गया। अपने लिए अपमानजनक शब्द सुनकर मेघा को बहुत गुस्सा आया। वो करण के पास जाकर उसे जोरदार चाटा मारती है। तभी करण गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पति पर हाथ उठाने की? पति? कैसा पति? जो दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती करे। अपना मुंह बंद रखो। क्यों चुप रहूं? मुझे तुम क्या कह रहे थे? तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे थे। हाँ सही सुना तुमने, मैंने पिताजी के कहने पर तुमसे शादी की। मोटी भैंस, आज तूने मेरे दोस्त के सामने जो ड्रामा किया है, अब तो मैं तुझे पक्का छोड़ूंगा। अरे तुम क्या छोड़ोगे मुझे? मैं ही तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। मैं खुद तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रहना चाहती। कान खोलकर सुन ले, मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ, समझे? दोनों के बीच काफी बहस होने लगी। घर वालों के कहने पर भी वे दोनों नहीं मानते और एक दूसरे को डिवोर्स देने का फैसला कर लेते हैं। डिवोर्स फाइल करने पर कोर्ट उन्हें 6 महीने एक साथ एक ही घर में रहने का ऑर्डर देते हैं। मेघा अपने ससुराल वापस आ गई। कुछ दिन तक सब अच्छा चलता है। अचानक एक दिन फोन की घंटी बजी। कौशल्या ने फोन उठाया। हेलो, कौन? करण का एक्सीडेंट हो गया है, वो जनता हॉस्पिटल में एडमिट है, आप जल्दी आ जाइए। अजी सुनते हो, कहाँ हो? जल्दी आइए। क्या हुआ माँ जी, आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? और पिताजी घर पर नहीं है, आप मुझे बताइए क्या बात है? मेरे बेटे करण का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कहा आपने, एक्सीडेंट? कुछ नहीं होगा उन्हें, आप हिम्मत रखिए, मैं हूँ ना आपके साथ माँ जी। फिर वे दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच गए। कुछ दिनों बाद करण ठीक हो गया, लेकिन उनके घर की आर्थिक हालत दिन पर दिन खराब होने लगी। यहाँ तक कि उनके दुकान में भी ताला लग गया और करण बेरोजगार हो गया। ससुर की तबीयत भी दिन पर दिन बिगड़ने लगी।
अपने परिवार की हालत को बिगड़ता देख मेघा नौकरी करने का फैसला करती है और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करके घर का खर्चा चलाने लगी। नौकरी के साथ साथ घर की भी देखभाल करने लगी। धीरे धीरे करण को मेघा के गुणों से प्यार होने लगा और मेघा के साथ किए बुरे बर्ताव पर पछतावा होने लगा। मेघा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ करण, बोलो क्या कहना चाहते हो? हाँ वो मैं, अरे जल्दी बोलिए, मुझे और भी काम है। तुम वर्ल्ड की बेस्ट पत्नी हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे मोटापे का हमेशा मजाक उड़ाया, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दो। करण की बात सुनकर मेघा उसे माफ कर देती है। करण उसे प्यार से गले लगा लेता है। मेघा अपने पति के साथ साथ अपनी सास का भी दिल जीत लेती है। फिर पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट में जरूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल पोला टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।